मेरा नाम इरफान अहमद शेख है, तो एजाज अहमद शेख जो मेरा वो कजन ब्रदर है। तो रात के 10 बजे वो 36 मिनट पर हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन है और कहां से आया है। लेकिन फिर 4 या 10 या 15 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ आई, इसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी। लेकिन नामालूम बंदूक बरदार, पता नहीं वो कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, तो ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ फिर गए। तो उसके बाद शायद 10-15 मिनट के बाद फिर पुलिस आई यहाँ पर, आर्मी आई, और उसके बाद जब हमें लग रहा था कि अभी ये जख्मी है, तो हमने उसे गाड़ी में भर दिया, और गाड़ी में भरने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। और जब हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल वालों ने, वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी डेथ करार दी गई। पिछले जितने भी सरपंच थे, मतलब जितना काम एजाज अहमद ने किया है कि शायद ही मतलब ऐसा काम कोई कर सकता है। बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, रोड बनाए हैं, सब कुछ, गरीबों का मतलब साथ देते थे, गरीबों को मतलब क्या, गरीबों का हाथ थाम कर गरीबों को अच्छा रास्ता दिखाते थे। कि घर में इसके 2 भाई हैं और इसकी माँ है, एक भाई इसका मलेशिया में वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है।